अगर आप लोगों ने डेस्पिकेबल शायद इसका यही नाम होगा, क्योंकि इसको याद करने में तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा और ऊपर से इसको सही ढंग से मैं प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पा रहा हूँ। डेस्पिकेबल मूवी के दो पार्ट आ चुके हैं, शायद तीन पार्ट भी आ चुके होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने दो पार्ट तो मैंने पक्के तौर पर देखे हैं, तीसरे पार्ट की मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्या इन दोनों मूवीज के अंदर आप लोगों को येलो कलर के करेक्टर नजर आए होंगे, वो येलो कलर के करेक्टर जिनको मिनियंस कहा गया है, इनको लेकर एक अलग से मूवी बनाई गई, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी है, कॉमेडी बहुत ज्यादा है उनके द्वारा, उन करेक्टर्स के द्वारा, क्योंकि अजीब अजीब सी उनकी हरकतें होती हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हंसी आती है उनके जो फनी जेस्चर होते हैं उनके ऊपर। तो इनको लेकर एक अलग से मूवी बनाई जाती है जिसकी लेंथ जो तकरीबन 1.5 घंटे रखी जाती है, और इस मूवी का नाम होता है मिनियन द राइज ऑफ ग्रू करके। अब यहां पर इस मूवी को जो मैं देखने गया, एक्चुअल मैं इस मूवी को देखने नहीं गया था, मैं किसी और मूवी को देखने गया था, बाय एक्सीडेंट मैंने ये मूवी देख ली। अब मुझे कोई इससे उम्मीदें भी नहीं थी, मैंने इसका कोई ट्रेलर भी नहीं देखा था, बस बिना सोचे समझे मैंने इसकी टिकट ली और चला गया थिएटर्स के अंदर। अब यहां पर एक कोरा कागज होता है ना, वैसे मैं बैठा था, बस उम्मीद कर रहा था कि पता नहीं इसमें क्या ही देखने को, उम्मीद तो फिर क्या ही करूंगा, बस ऐसे बैठा था पता नहीं इसमें क्या ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, और सच में इस मूवी को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया, पूरी मूवी के दौरान चेहरे के ऊपर स्माइल ही रही है। पहले मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके अंदर कितनी चीजें अच्छी हैं और कितनी ज्यादा चीजें जो है वो खराब हैं, कितनी कमियां हैं। मूवी की स्टोरी की बात करें तो देखो, एक ग्रू नाम का एक करेक्टर होता है, 12 साल का एक बच्चा है जिसका सपना, मतलब बचपन से ही सपना है कि वो एक बड़ा होकर बहुत बड़ा एक विलन बनना चाहता है। और इसमें इसकी हेल्प करते हैं इसके जो रियल, जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूं, रियल फॉलोअर्स हैं जो येलो कलर के करेक्टर हैं, उन्हीं को मिनियन कहा गया, वही मिनियन इसके फॉलोअर्स होते हैं, वो इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। खैर, मूवी के अंदर आप लोगों को बहुत सारे मिनियंस देखने को मिलेंगे, उन सारे मिनियंस को आपको इतना मतलब इसमें नहीं दिखाया गया। जो मेन चार जो मिनियन है, स्टुअर्ट है, ओटो है, केविन है, बॉब है, ये चार जो मिनियन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा कि यूपीएससी के एग्जाम में वो चार मिनियन के नाम बताओ जिन्होंने मिनियन द राइज ऑफ ग्रू के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, ये तो बस ऐसे ही मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी। वो इन्फॉर्मेशन भी क्या, अपनी इस वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने उनके नाम ऐड कर दिए। खैर, अब यहां पर जो ग्रू है वो एक बहुत बड़ा विलन बनना चाहता है, और इसलिए बचपन से ही वो एक विलन के ग्रुप में शामिल होने के लिए जाता है। लेकिन उस वो जो प्लान बनाते हैं कि एक विलन के ग्रुप में वो शामिल होगा, तो उसके प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं जाती हैं, जिससे जो ग्रू है वो काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर आ जाता है। और वहां पर इसकी हेल्प करते हैं इसके जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं मिनियन। अब बहुत बढ़िया तरीके से कॉमेडी वे में, फनी वे में, कॉमेडी और फनी का वे का तो मतलब एक ही होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन सब चीजों को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। एनिमेशन की बात करूं तो एनिमेशन बहुत अच्छे हैं। जो मैंने मिनियन से आपके सामने जो नाम रखे हैं वो चार, या फिर कहूं कि सारे के सारे जो मिनियन है, किसी के एक आंख है, किसी की दो आंख, वो बहुत बढ़िया है, वो आपको क्यूट बहुत लगेंगे, सच में इतनी बढ़िया एनिमेशन की गई है। फिर उसके साथ इनके जो जिस तरीके के मतलब जो व्यवहार है, व्यवहार क्या कहूं कि जो ये हरकतें करते हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। पूरी मूवी के दौरान मतलब कहीं कहीं तो ऐसे सीन थे मैं बहुत ज्यादा हंसा हूं, और थिएटर्स में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने इस मूवी को बहुत अच्छा एंजॉय किया। मतलब जब थिएटर से वो बाहर आ रहे थे, मैं मतलब कुछ एक लोगों को देख रहा था, वो सब खुश थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसी मूवी देखी है जहां पर इनको कोई उदास हो, रिग्रेट हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक अच्छी, एक रिफ्रेशिंग मूवी देखकर आ रहे हैं ऐसा फील हुआ, और मैं भी काफी ज्यादा खुश था इस मूवी को देखकर। मूवी में देखो यार, बोर होने वाली तो ऐसी कोई बात मुझे लगी नहीं, क्योंकि इस मूवी की लेंथ बड़ी अच्छी रखी गई है, 1.5 घंटे। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये मूवी ज्यादा लेंथी होने लगती है, ऐसा कुछ फील होता है, तो ये 1.5 घंटे में समाप्त हो ही जाती है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस तरीके की स्टोरी रखी गई है वो इतनी अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, एवरेज है वो स्टोरी, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो मिनियंस हैं, वो आपको काफी ज्यादा हंसाएंगे। मेन तौर पर देखो, बच्चों को फोकस करते हुए मूवी है, एडल्ट भी इस मूवी को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा ही इसके अंदर बोरियत होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मूवी देखकर, बच्चों के लिए काफी अच्छी लगी। इसके अंदर कोई भी वल्गर या फिर कोई वॉयलेंस सीन नहीं है, बहुत बढ़िया चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। फैमिली के साथ आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। देखो, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10। हिंदी डबिंग इस मूवी की काफी अच्छी मुझे लगी, ऐसा नहीं मतलब देखो मिनियंस की तो लैंग्वेज अलग ही है, वो तो हिंदी डबिंग, इंग्लिश डबिंग कुछ भी नहीं है, वो एक अलग ही भाषा बोल रहे होते हैं, बस आपको उनको देखकर हंसना है और वो हंसी आ भी जाती है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।